नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है ग्रहों के सिद्धांतों पर, एपिसोड नंबर 12। और आज हम बात करने जा रहे हैं आपसे बाधिका पति ग्रह। तीन कंडीशन होती हैं, चर, स्थिर और द्विस्वभाव। लग्न के आधार पर ये निर्धारित होता है कि आपकी कुंडली में बाधिका पति ग्रह कौन सा बनेगा। बाधिका पति ग्रह का सीधा सा मतलब ये हो गया, जो आपके कर्म क्षेत्र में, आपके सुख साधन में, जो आपके प्रयासों में बाधा उत्पन्न करता है, किसी भी क्षेत्र में आपके प्रभाव को निष्क्रिय करने का प्रयास करता है, निष्क्रिय बनाने का प्रयास करता है। बाधिकापति मीन्स हो गया कि जो आपके जीवन में स्ट्रगल उत्पन्न करता है, संघर्ष पैदा करता है, तो इसको हमें डायग्नोस करना है और इसके समय रहते उपाय करने चाहिए जिससे कि जीवन सरल बन सके। बाधिकापति ग्रह की तीन कंडीशन होती हैं, चर, स्थिर और द्विस्वभाव। चर लग्न में एकादश भाव में स्थित ग्रह या एकादश भाव का स्वामी, या मतलब एकादशेष, एकादश भाव का स्वामी अथवा एकादश भाव में स्थित ग्रह, जो भी होगा वो बाधिका पति ग्रह बनेगा, वो बाधक बनेगा, वो कुंडली में बाधा उत्पन्न करेगा। जब इसकी दशा, अंतरदशा या महादशा आएगी तो ये उसमें व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश कर रहेगा, जीवन को संघर्षमय बना देगा। स्थिर लग्न अगर होती है, स्थिर लग्न का मतलब हो गया, चर लग्न का मतलब हो गया 1, 4, 7 और 10 राशियाँ। इट मीन्स कि मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि चर लग्न होती है, जिसमें एकादश भाव में स्थित ग्रह और एकादश भाव का स्वामी ग्रह बाधिका पति बनता है। स्थिर लग्न वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ 2, 5, 8 और 11। नवम भाव में स्थित ग्रह या नवम भाव का स्वामी अथवा नवमेष, या तो स्थिर लग्न में नवमेष हो गया और नवम भाव में स्थित ग्रह। द्विस्वभाव लग्न अगर होगी, इट मीन्स कि 3, 6, 9, 12। तीन का मतलब हो गया मिथुन, कन्या, धनु और मीन। ये चार जो राशियां हैं, ये द्विस्वभाव लग्न होती हैं, इसमें सप्तम भाव का स्वामी या सप्तमेश बाधक बनता है, बाधिका पति बनता है। सबसे जो खराब सिचुएशन हो, देखिए तीनों ही भाव ये बैठ अच्छे भाव हैं, धन के हिसाब से तो बहुत अच्छे भाव हैं। एकादश भाव लाभ का भाव हो गया, नवम भाव भाग्य का भाव हो गया, सप्तम भाव रेगुलर इनकम का भाव हो गया। तीनों ही धन के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण भाव है। तो जब ये बाधक का पति भी बन जाते हैं किसी कुंडली में, तो ज़्यादा नेगेटिव होते हैं। अच्छा, कोई भी लग्न हो, इन तीनों में से कोई ना कोई ग्रह तो बाधिका पति बनेगा ही बनेगा। तो नवम भाव के स्वामी से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया कि नवम भाव में स्थित ग्रह या सप्तम भाव में स्थित ग्रह या एकादश भाव में स्थित ग्रह, अगर किसी भी ग्रह की प्लेसमेंट इनके पर्टिकुलर भावों में अगर होती है, तो वो ज़्यादा खतरनाक स्थिति होती है, वो ज़्यादा नेगेटिव स्थिति होती है। ये जानने का, ये समझने का, ये डायग्नोस करने का सीधा सा उद्देश्य यह है कि इनके समय रहते उपाय किए जाएं और जीवन को सरल बनाया जाए। हमने आज बात करी बाधिका पति ग्रह की। लगातार हमारे जो एपिसोड चल रहे हैं वो ग्रहों के सिद्धांत पे चल रहे हैं। सिद्धांत मतलब रूट्स, मतलब बेस। अगर आपने इसको समझ लिया तो आप एक बेहतर एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। तो मिस मत कीजिएगा, नेक्स्ट एपिसोड में हम नए सिद्धांत के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।